नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। दोस्तों आपको मेरा नाम तो पता ही होगा अनुराग आर्यन, और मेरे इस चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा पूम टॉय अनुराग। दोस्तों इस चैनल पे डॉग से रिलेटेड हर तरह की जानकारी की वीडियो अवेलेबल होती है, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इंडियन स्पिट्स अच्छा होता है या फिर एक पोमरेनियन डॉग अच्छा होता है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि पोमरेनियन डॉग क्या है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे जो लिंक आ रहा है ना अपीयर अभी हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें मैंने ये बताया है कि पोमरेनियन डॉग क्या होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इस वीडियो में ही आपको बता देता, लेकिन टाइम थोड़ा सा लंबा खींचा जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि पोमरेनियन अच्छा होता है या फिर एक इंडियन स्पिट्स डॉग अच्छा होता है। मेरे पास इंडियन स्पिट्स डॉग है, इसलिए मुझे इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज है। खैर, मेरे पास पोमरेनियन तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में मेरे पास बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज है, इसलिए मैं आपको दोनों के डिफरेंस में बताऊंगा आपको, और आज आप ये कंक्लूड कर लोगे कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंडियन स्पिट्स का प्राइस, दोस्तों ये डॉग आपको अगर बेस्ट क्वालिटी का चाहोगे तो ये आपको 4,000-5,000 में आपको ये बेस्ट क्वालिटी में मिल जाएगा। ठीक है, इंडियन स्पिट्स। लेकिन वही आप एक पोमरेनियन लोगे अगर कल्चर पॉम लेते हो। ठीक है, पोमरेनियन में दो आते हैं, एक कल्चर पॉम और एक टीकअप पोमरेनियन। कल्चर पॉम आप लोगे तो 8,000 से लेकर के 12,000 के आसपास होता है, कहीं कहीं 15,000 में भी अवेलेबल होता है, लेकिन मैं अक्सर 12,000 या 13,000 में लोगों को अवेलेबल करवा देता हूँ। ठीक है, और दूसरा आता है टीकअप पोमरेनियन, जो मैं अवेलेबल नहीं करवाता हूँ, लेकिन अगर आप खरीदोगे तो वो आपको मिनिमम कम से कम 20,000 रुपया लगाना पड़ेगा, तो वो डॉग आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया अलग इंडियन स्पिट्स और ये हो गया अलग पोमरेनियन डॉग। ठीक है, ये मैंने प्राइस जो बतलाया है मैं सेल नहीं करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको वो प्राइस जेन्यून बताया है जो मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, प्लीज़ आप ये मत सोचना कि मैंने अपने तरीके से प्राइस बताया है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस तरीके का डॉग आपको बेस्ट क्वालिटी 4-5-6 में मिल जाएगा, और लो क्वालिटी का चाहोगे तो 1,000-2,000 या 3,000 में मिल जाएगा मीडियम क्वालिटी का। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों में से आपको लेना कौन चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन स्पिट जो डॉग होता है इससे मतलब कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। कई गुना कहने का मतलब आप कह सकते हो 2 गुना ज़्यादा बड़ा। टीकअप पोमरेनियन जो है ना उससे 2 या 3 गुना बड़ा होता है हमारा इंडियन स्पिट्स डॉग, और जो कल्चर पॉम होता है उससे भी 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है एक इंडियन स्पिट्स डॉग। तो अब बात करते हैं, अगर आपके पास इंडियन स्पिट्स है या फिर आप लेना चाहते हो, तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप जब सुबह में कहीं खेलने के लिए जाओगे, या फिर आपको रनिंग में शौकीन है, या फिर घर के बाहर आपको घूमने का शौकीन है, तो उस समय इंडियन स्पिट्स एक बेटर डॉग प्रूव होगा। क्योंकि एक ये जो पोमरेनियन डॉग है, कल्चर पॉम या फिर टीकअप पोमरेनियन, उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, तो वॉक पे ले जाने में आपको परेशानी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस जगह पे आपको इंडियन स्पिट्स डॉग काफ़ी सही रहेगा। आप खेलोगे भी या रनिंग भी कर रहे हो तो आपके साथ ये डॉग आराम से खुला में दौड़ेगा, और इसकी रनिंग की स्पीड भी अधिक होती है। लेकिन ये डॉग बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण अगर आप घर के बाहर जाओगे तो आपको हमेशा गोद में ही रखना पड़ेगा, आप नीचे इसे खोल के चला नहीं सकते हो, क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि आप मतलब चलने में इसको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो चलने में परेशानी होगी नहीं, मतलब अगर एक गार्डन है, कंपाउंड टाइप जगह पे है, उसे वॉक करवाना चाहोगे तो उस टाइम पे सही है, वॉक कर लेगा। ठीक है, दौड़ भी लेगा, लेकिन एज कंपेयर टू ये इंडियन स्पिट्स रनिंग के मामले में या फिर वॉकिंग के टाइम पे ये बेटर प्रूव होता है। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं। दोस्तों ये जो है इंडियन स्पिट्स हो या फिर ये पोमरेनियन मतलब टीकअप हो या फिर कल्चर पॉम हो, ये स्ट्रेंजर को देख के बार्क बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, और एक्टिव बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे गार्ड डॉग भी कहा जाता है, बेस्ट गार्ड डॉग भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट तो करेगा नहीं, लेकिन गार्डिंग आपका बढ़िया तरीके से कर देगा, मतलब चोर को जब देखेगा तो भौंकेगा। उस समय क्या होता है कि इंडियन स्पिट्स डॉग मतलब थोड़ा सा बेटर प्रूव हो जाता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, और मतलब ये जब चिल्लाएगा तो चोर को इसके कंपेरिजन में, इसका साइज जो छोटा होता है और इंडियन स्पिट्स का साइज बड़ा होता है, तो इसके कंपेयर में लोग मतलब लोग हो, बच्चे हो, चोर हो, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एक डर का भावना होता है। ठीक है, तो ये होगा इंडियन स्पिट्स का बेनिफिट्स। अब इसका बेनिफिट्स कुछ देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कार है या फिर एक छोटा सा घर है, तो उसमें ये दोनों डॉग होते हैं ना बहुत ही क्यूट होते हैं, और जब आप रखोगे पास पे, मतलब सोफे पे रखोगे या फिर घर में कहीं भी रखोगे, अगर आप एक अमीर घर से हो, तो उस समय मतलब ये डॉग कुछ मतलब अलग टाइप का लगेगा, और मतलब इंडियन स्पिट्स से कुछ बेटर प्रूव होगा, क्योंकि इसके बाल बड़े होते हैं और देखने में ये ज़्यादा खूबसूरत होता है। ठीक है,
तो उस समय ये जब आप पास में रखोगे तो उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा अलग होगी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया होगी। तो दिखावा के लिए अगर आपको चाहिए तो पोमरेनियन या फिर कल्चर पोम, ये दोनों बेटर होगा। अगर आपको दिखावा मतलब किसी को शो करना है या फिर एक शो डॉग के लिए आपको लेना है तो ये दोनों बेटर होगा, आप यही लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है देखने में। टाइम टाइम पे इसको आपको ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, टिकअप को, कल्चर को, क्योंकि इसका बाल जो होता है वो सामने की तरफ निकल जाता है, मतलब कि इसका बाल अगर इतना बड़ा भी है ना तो सामने की तरफ ऐसे होगा और इसका बाल जो होगा सो इतना बड़ा हो गया, ठीक है, होगा तो खुद इतना बड़ा, लेकिन अगर बाल इतना इतना बड़ा भी है तो इतना बड़ा हो गया और ये इतना मोटा लगेगा। वही इंडियन स्पिट्स में क्या होता है, बाल इतना इतना बड़ा भी है ना तो साइड से क्या होता है ये चिपक जाता है, ठीक है, और वही क्या होता है पोमरेनियन में कि यही निकल जाता है, लेकिन इंडियन स्पिट्स में चिपका होता है जिसके कारण बाल का उतना ज़्यादा इसमें शो नहीं होता है, लेकिन इसमें शो हो जाता है, इसलिए बार बार आपको इसकी ग्रूमिंग भी करवानी पड़ेगी, जो कि बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप करवा सकते हो। तो यही था हमारा इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, इसका साइज बड़ा होता है इसके मुकाबले, तो आप देख लो, यही जो मैंने डिफरेंस बताया है बस वही डिफरेंस है, बाकी इसके बिहेवियर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये भी आपको उतना ही प्यार करेगा, बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा, ठीक है, जितना कि ये आपको प्यार करेगा, ठीक है। तो दोनों बहुत ही खूबसूरत डॉग है, आप कोई भी ले सकते हो, इसका प्राइस कम है और इसका ज़्यादा है, तो जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हो। मेरे पास ये डॉग है, बहुत ही खूबसूरत है। तो हमारा आज का यही वीडियो था, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैं डॉग्स से रिलेटेड हर तरह की जानकारी की वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है, तो हमारे चैनल पर हर तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट हमारे आने वाले वीडियोस है कि बेस्ट डॉग फूड कौन सा है, प्रूफ के साथ मैं आपको बतलाऊंगा। अगर आपके पास डॉग है या फिर नहीं है तो प्लीज़ आप वो वीडियोस ज़रूर देखना, और नेक्स्ट वीडियोस हमारी आपको मिल पाए उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नीचे होगा रेड कलर में सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दें, और बाद में एक बेल का भी आइकन होगा उसे भी क्लिक कर देना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल पाए। दोस्तों ये सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब्सक्राइब करने का चार्ज लगता है, तो दोस्तों ये सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों हम मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।